evening and welcome on board the Election Express. It's day 35 of the Election Express and we are broadcasting today from the in Varanasi. Arvind Kejriwal has just done a massive show of strength, a road show here in Varanasi. Narendra Modi was here yesterday. Rahul Gandhi and also Akhilesh Yadav will be here tomorrow. This is where it's all happening and I want to welcome all of you to the Election Express. स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम. इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सीधे उन पंडितों के चलते हैं जो कि गंगा आरती के साथ इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं. स्वागत है आप सभी का हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में. ये बताइए कि क्या आप लोगों की भी चुनाव पर नजर है? जी हाँ, वाराणसी में इस वक्त बड़ा चुनावी चुन. पहले यहाँ पर लोग धर्म के लिए आते थे, अब राजनीति के लिए आ रहे. मतलब पहले लोग यहाँ धर्म के लिए जाते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं घुसना चाहिए. ऐसा हमारा शुरू से परंपरा है सनातन धर्म का. और ये नमः पार्वती पते हर, एक अच्छा राष्ट्रवादी चिंतन, जो भी सरकार बने लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए सोचे, ऐसा हम लोग का राष्ट्र हित के लिए आपके हिसाब से कौन सोच रहा? इस समय तो सबको पता ही है जो कि शुरू से ही राष्ट्र के लिए लगे हैं, ना तो उनका जात पात से कोई ऐसा है, वो बस केवल राष्ट्र के हित के लिए जो हमारे देश का अधिक से अधिक विकास कर सके. और सबको पता ही गुजरात जिस ढंग से अच्छा विकसित हुआ, अगर पूरा काशी और पूरा हिंदुस्तान हो जाए तो कितना अच्छा. जो पंडित है यहाँ के, क्या उम्मीद है और आपको क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सही कह? बिल्कुल सही है, वो उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्र प्रेम भरा है, बस ऐसा ही इसी से लगता है कि अपनापन कहीं भी आते लगता उमड़ पड़े दुनिया. चलिए, आप लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बेस्ट है. कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, साथ के साथ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं. हर की अपनी राय, हर की अपनी मर्जी. कार्यक्रम में लोगों पर आने से पहले यहाँ पर जो शास्त्रीय संगीतकार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात करना चाहूँगा. सर, पहले तो अपनी कला के बारे में हमें थोड़ा बताइए. जी सर, बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर जो संगीतकार हैं उनकी सबसे बड़ी मांगें क्या हैं इस चुनाव में और सबसे बड़ी उम्मीद? सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने भी यहाँ संगीतकार हैं, जो बड़े यहाँ की मछलियाँ हैं, छोटे संगीतकारों को खा जाते हैं, उनको खींच लेते हैं, उनके बढ़ने के चांस नहीं है. और केंद्र से भी और सेंटर से भी, हमारे दोनों जगह से कोई भी संगीतकारों को मदद, कोई भी संस्था या कोई वो नहीं है. तो ऐसा आप हमें बजा के तो दिखाइए. यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं आप लोगों को सुनने के लिए, तो इलेक्शन एक्सप्रेस को भी सुनने को मिले. जा रहे हैं राग मालकोस, ये बनारस का जो है राग है. ये राग खासियत क्या है? मालकोस जाइए. बताइए, चुनावों पर भी नजर है आपकी, राग तो आपका खूब था, इलेक्शन में नजर? इलेक्शन निगाह है सर, मैंने बता दिया कि मैं 12 तारीख को उचित फैसला जो सही होगा और जनता हमारी जिसका जिधर रुझान होगा उधर हम अपना वोट. अभी फैसला लिया है कि नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया, 12 तारीख को मैं निर्णय करूँगा. 12 को ही लेंगे? सब सब उम्मीदवारों को आप लटका के रखेंगे मतलब? चलिए, ये है बनारस की अनडिसाइडेड जनता जो सबको कहना चाहती है. हम आपको भी दे सकते हैं अगर आपने हमारे लिए कुछ किया. हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, ये हमारा निर्णय, इसलिए मैं शास्त्रीय संगीत से बना हूँ. हमारे लिए सब समाज एक है, सब पार्टी हमारे लिए अपनी है. ये 12 को ही निर्णय करेंगे किसके क्या वो हो रहा है. बहुत बढ़िया. ये लोग बताना नहीं चाह रहे लेकिन कुछ लोग हैं जहाँ पे जो तय कर चुके हैं अपनी टोपी के जरिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का भी यहाँ पर रोड शो हुआ और आज इलेक्शन एक्सप्रेस में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, इंफोसिस के पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वी बालकृष्ण. स्वागत है सर आपका, वेलकम टू द इलेक्शन एक्सप्रेस.
big show of strength of the Aam Aadmi Party. How do you think this compares with Narendra Modi's show of strength? Because people who were there at Modi's road show said yesterday's was bigger. Today's wasn't bad, but yesterday's was bigger. That's the feeling that they had. No, I think this election is a fight between a silent wave and the artificial wave, a fight between the might and the right. So I think finally the right will win. There is a silent wave here. I had been here for the last 1 week meeting a lot of people. I think there's a lot of underground support for Arvind. I'm sure, I think if all things go right, Arvind is going to win this seat. Okay, you're saying that there's a silent wave, because what is visible is a big Namo wave. If you see the surface, what can be seen is everyone chanting Namo, Namo. Oh, that is what I said, artificial wave. Wherever I see, I spent a lot of time in Bangalore. I went to Hyderabad. Now I am here. I can see only the heat wave, no other wave. So Infosys ke poor CEO keh rahe hain ki yahan garmi hai, heat wave hai, namo ki koi hawa nahi hai. Wo keh rahe hain ki ek silent wave hai Kejriwal ke prati. Kejriwal ka road show bhi hua, achha hi khasa road show tha, thik thak bheed aa gayi. Bhaiya hum angrezi to jaane nahi laga, theed banarsi jaane laga. Aur bade bhai sahab se hum puche chahte hain, जब अरविंद केजरीवाल इतना बढ़िया रहलन, इतना ईमानदार रहलन, इतना अच्छा रहलन, तो दिल्ली छोड़ के उनके बनारसा लोकल, बनारसा के अलावा और कहे ला लोकल? अच्छा सवाल पूछा आपने, और जवाब देना होगा मिस्टर बालकृष्ण आपको कि अगर इतना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है केजरीवाल, इज आस्किंग यू इन हिज नेटिव रस्टिक टोन, व्हाई डिड केजरीवाल रन अवे फ्रॉम दिल्ली? नो, आई थिंक दिस हैड बीन आंसर्ड सम 10,000 टाइम्स. He left the chief minister force because power without the ability to make the change is of no use, and it's very difficult to give up power coming from corporate world. But it seems he made a mistake. Even now he's admitting he made a mistake. No, he said probably we are not conveyed properly to the people why we left. We left in a haste. But I think giving up power is the most difficult thing. Tell me one prime minister or chief minister in this country who can give up. Important point ki satta koi chhodta nahi hai. इन्होंने छोड़ी क्योंकि सत्ता के लालची नहीं थे. बाकी लोग कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं फिर कभी छोड़ना नहीं चाहते. अरविंद केजरीवाल में लोभ नहीं था, लालच नहीं थी. एक मिनट क्या यार, एक मिनट जरा भाई साहब से पूछिए. ठीक है सत्ता के दूर रहना चाहिए, वो बार बार झूठ बोलते हैं. एक झूठ इनका ये है कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है. तो गुजरात से भी तो मोदी जी लड़ रहे थे, क्यों नहीं जाके गुजरात में लड़ रहे? जब उनको वोटे नहीं मिलता मोदी जी को तो वहां ना जाके इनको लड़ना चाहिए. बनारस में इनका क्या है कि बनारस में लड़ रहे हैं? बनारस में लड़ने का इनका क्या उचित है? क्या यह पढ़े थे? क्या इनका कोई राजनीति की जीवन था? ये जितने बाहर के सीए दिए आए हैं ये सब चले जाएंगे कल, उसके बाद वो मात्र अकेले हो जाएंगे. उनको यहाँ से 20 से 25 वोट नहीं मिलेगा. पर वाराणसी में मोदी भी तो बाहर से आए हैं जनाब. मोर्सी मैं यहाँ से जना हूँ. राजा रामचंद्र जी यदि अयोध्या में जन्म लिए थे तो वहाँ वो अयोध्या का दशरथ का इतिहास था. प्राण जाए पर वचन न जाए, हरिश्चंद्र तमाम मनु राजा वहाँ आए थे. इसलिए हम लोग श्रीचंद दीक्षित से यहाँ वोट देते आए हैं. बनारस वाले अच्छे आदमी को खोज रहे थे और प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं. हम किसी MP को वोट नहीं कर रहे हैं. भैया जैसे आम आदमी पार्टी या टू की दिहा से आली हमें उतना जानकारी ना न राजनीति से हम जुड़ल है. वो अंग्रेजी फारसी बतियाओ, आपसे आग्रह करब बनारसी ठेठ में वो बतियाओ ताकि बनारसी लोगन के अच्छा लगा. पहला चीज बनारसी लोगन के अच्छा लगा ताकि हम लोग के समझ में आवा कि वो अंग्रेजी में का बक्कत हुआ. हो सकल बनारसी के गाली देत हुआ, बनारस वाले के गाली देत हुआ, या अंग्रेजी में का बक्कत हुआ, अच्छाई करत उनकी गाली बक्कत हुआ. नहीं पर वो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे कि बनारस के लोग तो बनारस को जानते हैं. आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर से आए हैं. यू ब्रॉट पीपल फ्रॉम द आउटसाइड सर. दे आर सेइंग दैट बनारस नीड समबडी हु रिप्रेजेंट्स बनारस एंड नॉट पीपल हु कम फ्रॉम द आउटसाइड हु विल लीव एट 5 PM टुमारो. नो आई हैड कम फ्रॉम आउटसाइड बट अ लॉट ऑफ नॉट जस्ट यू. आई एम सेइंग द आम आदमी पार्टी सपोर्टर एंड कार्डर दे आर सेइंग आर बेसिकली पीपल हु बीन पैराट्रूप फ्रॉम द आउटसाइड. No, I don't think so. Their leader is always parachuted from outside. You need a leader who will walk through the rows, talk to people, do something. Not come in a helicopter, jump here, then walk away. ठीक है, ये important point है कि नरेंद्र मोदी भी तो बाहर से ही कूद लगा के आते हैं. वो कौन से वाराणसी के हैं? हाँ बताइए जनाब, आप बोलना चाह रहे हैं.
नरेंद्र मोदी को हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो यहाँ पर काशी या उनका बीजेपी का जो मैं उनका बेस बना है उसके लिए नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं कि आसपास के लोगों को साफ कर सके, जो आसपास समाज को इतने बांट करके जाति में रखे हैं उनको तोड़ने की ये कोशिश है, न कि ये कि उनके लिए ये सुरक्षा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब बनारस के लोगों के पास मौका है पीएम चुनने का तो एमपी क्यों चुने भाई? हम इन पर कहना चाहेंगे, अरे तुम तो ठहरे परदेसी मोदी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे और साबरमती ट्रेन से गुजरात चले जाओगे? साबरमती ट्रेन से गुजरात चले जाओगे? ऐसा है कि भाई साहब परदेसी की बात कर रहे हैं और मोदी जी और केजरीवाल में इतना अंतर है कि मोदी जी को काशी की जनता ने आवाहित किया, उन काशी की जनता की डिमांड से मोदी, और मोदी आज सिर्फ बनारस के नहीं पूरे राष्ट्र के नेता हैं, और रहा बात बाहरी का तो वो बताएं कि उनके प्रत्याशी यहाँ के निवासी हैं। व्हाट आई वांट टू डू इन द फर्स्ट रिपोर्ट दैट वी आर प्लेइंग आउट इन द इलेक्शन एक्सप्रेस टुनाइट इज लुक एट द अरविंद केजरीवाल रोड शो, बिकॉज यस्टरडे द फोकस वॉज ऑन द बिग नरेंद्र मोदी कैवलकेड दैट पास थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी। टुडे the entire Aam Aadmi Party gang was out in full force through the streets of Varanasi. What was the crowd there like? How did it compare with Modi's roadshow yesterday? Here's a report filed by my colleague Ankit Tyagi for the Election Express. The visuals are telling. The enthusiasm is unmistakable. Kejriwal's answer to Modi's mega saffron surge in Varanasi on Thursday. The narrow streets of the holy city dotted with white caps and waving brooms. During his Varanasi show of strength, Kejriwal claiming absolute victory, hitting out at Modi. Aam Aadmi Party leaders turning up the decibel. This is going to be the most surprising result that this country has ever seen. Aam Aadmi is going to win. यहाँ से आपकी शासन होगी, आपकी government यहाँ से शुरू होगी, देख। Some skirmishes also reported early in the day. As the political temperature soars in Varanasi, Rahul Gandhi's big road show lined up on Saturday. A bid to drum up support for Congress's Varanasi candidate Ajay Rai. All eyes on the political capital this election season ahead of final phase of voting on Monday. Yesterday it was turn of Narendra Modi to show his strength, and today Arvind Kejriwal on the penultimate day of the campaigning has filled the streets of Banaras with the white caps. As far as you can see right now, there are just white caps in Arvind Kejriwal's road show. Some are calling it a befitting answer to Narendra Modi. Flags all around, and many young people, those who have come here, they are trying to say that Arvind Kejriwal is the main competitor. He is in fight against Narendra Modi. This man, the Arvind Kejriwal mask here, was telling us a very interesting slogan. Kya slogan bata rahe the aap? Jati dharam ka todo jaal, kaisi aaye Kejriwal. Jati dharam ka todo jaal, kaisi aaye Kejriwal. Aur ek aur bataya tha Modi wala. Ek pakodi do samosa, Modi tera kya bharosa? The Aam Aadmi Party and the white caps have put up a formidable challenge for Narendra Modi. Their campaign in fact has been very good. They are now being known as the Jhadu Walas, and these Jhadu Walas as of now have filled the streets of Banaras. This will be a very interesting competition as the days of campaigning are getting over and Banaras gets ready to vote on May 12th. With camera person Subhi, Ankit Tyagi, Headlines Today's Election Express. That was the Kejriwal road show, but we just quickly got hold of this Dulla Raja, जिनकी शादी के लिए जा रहे हैं सर। हाँ। अरे वाह, तो सही टाइम पे हमने पकड़ा आपको, बहुत बहुत मुबारक। कितना परेशान का है नजर आ रहा है, परेशान का है नजर, परेशान में कुछ है ना, शादी हो। हाँ। तो घाट पे क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? शादी की तो बारात निकल रहा है, लड़की कहाँ? बगल में, बगल में, बगल में।
तो ये बताइए कि चुनाव पर भी नजर है दूल्हे राजा की कि नहीं? बिल्कुल है। अरे भैया शादी आपकी थोड़ी हो रही है, दूल्हे राजा को बोलने दीजिए, आप कहाँ बीच में कूद रहे हैं भारत में? हाँ जी बिल्कुल है। इस पे नजर है आपकी? नरेंद्र मोदी। काहे पे नरेंद्र मोदी पे नजर है? बिल्कुल है। शादी की सोच रहे हैं कि मोदी की सोच रहे हैं? मोदी की। अरे मोदी को छोड़ दीजिए भाई साहब, आप अभी शादी की सोचिए। क्या नाम है आपका? विकास पाठक। विकास जी क्या करते हैं? हैं क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, अब बाकी लोगों से पूछते हैं, मैडम आप तो बन ठन के जा रही हैं एकदम, आप लोगों की भी नजर है आप लोगों की बारात में? हाँ है, क्यों नहीं। हाँ तो आप किसको सपोर्ट दे रहे हैं? हम लोग भाजपा पर, मोदी के हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये शादी की नहीं मोदी की सोच रहे, तो बड़ा खतरनाक। नहीं आप तो खुद महिला है, इनको बताइए क्या इनकी प्रायोरिटी सारी गलत है? नहीं ये भी तो शादी के इसमें तो जो भी बच्चे लड़के शादी में ससुराल में जाते हैं तो अपने ससुराल के खुशी में रहते हैं कि बंधन शादी के बंधन में बंधेंगे, जब शादी से आएंगे शादी करके अपने फैमिली को लेकर आएंगे तो खुद मोदी पर भाजपा पर खुद वोट देंगे, है कि नहीं? अच्छा दूल्हे राजा के दोस्त कौन कौन है? आप दोस्त हैं दूल्हा राजा के? तो बिल्कुल मोदी जी को वोट देना है जी। काहे के लिए? केजरीवाल को क्यों नहीं, वो भी तो लड़ रहा है जी। क्यों देंगे हम केजरीवाल को? हम दम क्यों नहीं देंगे? दिल्ली का घोड़ा है इसलिए नहीं देंगे। पर मोदी भी तो बाहर से आया है, मोदी कौन सा काशी का? आने का मतलब है एक बार उनको भी मौका दिया जाए ना। मोदी को? केजरीवाल को दे दो मौका, उसको क्यों नहीं? केजरीवाल को एक बार दे दिया गया है, दिल्ली से आया है यहाँ पे भगोड़ा फिर भाग जाएगा। हाँ दूल्हे राजा के और कौन? हेलो आपको क्या लगा? मोदी सरकार को वोट देंगे। क्यों मोदी को देंगे? मोदी सरकार नया में बन रहे हैं। हाँ। जी मोदी जी को इसलिए वोट देना चाहिए कि अपने अरविंद केजरीवाल तो अपने मतलब फर्ज निभा नहीं पाए, इसलिए हमें मोदी जी को वोट देना है। अच्छा दूल्हे राजा साहब मुझे लगता है आप निकलिए, ऐसा ना हो कि राजनीति भविष्य है, अभी आज के भविष्य जो है मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए अब की बार मोदी सरकार सब मोदी जी हैं। दूल्हे राजा जी आप आज तक और हेडलाइन छोड़े पे तो आगे हाथ तो मिला लीजिए, लेकिन अभी लग रही है अपनी बारात लेके चलिए, ऐसा ना हो कि चुनाव ठीक है मोदी जी को। अरे आपकी बेगम का नाम क्या है? बेगम का नाम क्या है? बीवी का नाम रिंकू। तो अभी आप रिंकू की सोचिए, मोदी जी को रहने दीजिए। अरे मोदी जी को हम इसको बोल रहे रिंकू की सोचे, कमाल स्थिति है, हम उसको बोल रहे रिंकू की सोचे, ये मोदी की तरह बीवी भी अपनी मोदी की तरह छोड़ न दें, ये संकट का दौर है। मौका दीजिए बराबर कहा, अभी आपने लगाया था। दूसरा मेरा यह है, मोदी तो गुजरात रहेगा, काशी में कैलाश रहेगा, जो इनका शब्द है। मेरा एक सवाल है, अब जरा विकास सोचे चाहिए व्यक्ति पर नहीं, काशी में 25 साल से सांसद भाजपा, 7 बार से 35 साल से मेयर भाजपा, तीनों विधायक शहर के भाजपा, एमएलसी भाजपा, लेकिन जब काशी बम ब्लास्ट होता है गंगा जी में कचहरी में, पता पता नहीं सांसद महोदय का, FIR लिखानी पड़ती है, और इसके बाद गंगा जी में बाढ़ आती है, पता नहीं। काशी की जनता जब अपनी फरियाद लेके इनके दरवाजे पर जाती है तो इनका क्या कहना है? राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सीवर नहीं बनाएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, गलियां नहीं बनाएंगे, लाइट नहीं लगाएंगे, दंगा रोज कराएंगे, कर्फ्यू रोज लगाएंगे। विकास के बाद पर हम पूछना चाहेंगे, 25 साल के इतिहास में कितने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, कितनी फैक्ट्रियां खुलवा दिए, इनके विकास से कोई मतलब नहीं है। हमारा कहना है माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रति कि समा करंट एसी भी होता है, करंट एसी भी होता है, कोई सट सट के मरता है, कोई हट हट के मरता है, मर्द मुलायम सिंह है जो सीमा पर डट के मरता है, और नामर्द मोदी है जो हट हट के मरता है। ये सवाल पूछा बोलिए, और इसीलिए मुलायम सिंह ने बयान दिया कि बलात्कार करिए, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये क्या मुलायम सिंह की उनके घर में आज हो जाएगा तो ये क्या वही करेंगे? देखिए बनारस की परंपरा है, बहुत सांस्कृतिक परंपरा वाला यह शहर है, जिस नगरी की खाक भी पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। तो इस नगरी की इतनी महत्ता है, और इस नगरी को मोदी जी ने इसलिए चुना है
कि यहाँ से चुने जाने के बाद बाबा विश्वनाथ की कृपा मिलेगी और पूरे संसार को अपने भारतवर्ष के अधीन बना देंगे। भारतवर्ष के सामने पूरा संसार नतमस्तक होगा और वह राष्ट्रगुरु होगा। इसलिए मोदी जी ने यहाँ पर संसार के सामने यह रखा कि मैं काशी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर, एक मिनट और देंगे, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा। और जिस दिन से प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी का घोषित हुआ है उस दिन से पाकिस्तान और चीन की हालत खराब है कि मोदी कहीं जा। आपको आपको कैसे मालूम पाकिस्तान और चीन की हालत खराब है? आप गए वहाँ पे? आप ही की मीडिया ने दिखाया और मैं प्रतिदिन 12 बजे रात तक यह न्यूज देखता हूँ। आप ही की मीडिया ने दिखाया कि चीन का और पाकिस्तान का हालत खराब, एक मिनट, चीन और पाकिस्तान का हालत खराब है, चीन और पाकिस्तान। दूसरे ही दिन नरेंद्र मोदी चीन चले जाएंगे क्या? पूरे सवाल ने चीन को क्या करेंगे? हम देते हैं, हाँ देंगे। अब मेरा जवाब आप ये देखिए, चीन डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, क्या करेगा? संसद में हमला क्यों उस समय हुआ? संसद में हमला क्यों वाजपेयी? जवाब देते हैं चीन। अरे भाई मेरे साथ क्या है? अरे एक सेकेंड, आप लोग तो मेरे साथ कुश्ती कर रहे हो भाई साहब। आराम से आराम से, मुझे मालूम है मुलायम पहलवान है, मैं नहीं हूँ मेरे साथ। अरे भाई साहब एक मिनट, चीना जपटी थोड़ी चलेगी। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भैया, मुझे मालूम है मुलायम की पार्टी में सब पहलवान है, मैं नहीं हूँ। चीना जपटी काहे कर रहे हैं? एक एक करके वो कह रहे हैं कि चीन पे हमला कर देंगे मोदी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैलाश कहाँ है, बनारस में है कि हिमालय पे है? तो कैलाश बनारस में क्या करेगा? और दूसरी बात, जो वो रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भाजपा के सांसद एमएलए रहे हैं, कितनी बार बनारस ने प्रधानमंत्री दिया है? जब प्रधानमंत्री बनारस का होगा तो बनारस का विकास होगा और ये तय है। दिस इन द बैटल फॉर योर वोट 2014 इज रियली द एपिसेंटर ऑफ द इलेक्शंस। दिस इज वेयर इट्स ऑल हैपनिंग। देयर आर टूरिस्ट हुव कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, देयर आर पीपल हुव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देयर आर पीपल हुव कम फ्रॉम ब्रिटेन, ऑल ऑफ देम, सम टू कैंपेन फॉर मोदी, सम टू कैंपेन फॉर केजरीवाल। माय कोलीग सिमी पाशा वेंट आउट and caught up with the election tourists. You've heard of people who go chase mountains, who go to the beaches, but in this heat, the best destination is Varanasi, and everyone is here for a spot of political tourism. Simi Pasha files this story on the election tourists of Varanasi. Stalwarts of Indian politics are facing off in an epic battle in the holy city of Banaras. It's a high-stakes contest, and both the BJP and Aam Aadmi Party are going all out to woo voters. Varanasi today has turned into a fortress of Modi and Kejriwal loyalists, and the streets are lined with saffron and white. It's a show of strength, and every cap counts. ...22-year-old Dhruv Talavia is an MBA aspirant from Modi's Gujarat, who has decided to take a break from his studies and hit the campaign trail. On his fourth day in Varanasi, we find Dhruv raising slogans and handing out Aam Aadmi caps to passers-by. We came 4 days ago and to bust the bubble that Modi has created in Gujarat. Just like Dhruv, Ashok Bhai Patel has also come down to Banaras from Gujarat. But he doesn't need to spell out who he's campaigning for. Dressed in Modi's trademark half-sleeved kurta and a matching Jawahar jacket, Patel is quite a crowd puller as he walks the streets under the shadow of the lotus. हमारे साथ 20-25 आदमियों की टीम है। हम 4 दिन से यहाँ मोदी जी के प्रचार करने आए हैं और गुजरात में जो नरेंद्र भाई मोदी ने 14 साल में जो विकास किया, वो विकास की बात लेकर वाराणसी के लोगों को समझाने आया है कि हमारे गुजरात में ऐसा विकास हुआ है, आपका भी विकास होगा, नरेंद्र भाई को समर्थन दो। रंग दे पतंग
At an old market near Dashwamedh Ghat, we find a group of Aam Aadmi Party supporters from various cities coming together for a common cause. And for this group, that cause is Arvind Kejriwal. Koi Punjab se, koi Maharashtra se, koi UP se hai, koi Bengal se. 32-year-old Deepesh Tank, an ad man from Mumbai, takes no time to switch tunes as the group shifts from one song to another. Despite in this hot summer, sun beating down on Varanasi, Deepesh and his friends are able to lift spirits with their music. Where did you come from? Mumbai. I work for an ad agency. I've been campaigning from last 2 days and I think it's awesome. I've been here for the last 4 days and it's electric. The whole city is smiling in support of Arvind. ये आम आदमी और मोदी जी के बीच का संघर्ष है और हमें आम आदमी की ताकत पर पूरा भरोसा है। Yes, this is my first time in Varanasi. I think this is a fight between change to a rotten system or more of the rotten system. I stand for change. As this group makes heads turn on one street, we find two ladies in a parallel gully campaigning for BJP's prime ministerial candidate. They walk from shop to shop seeking firm assurances from voters. Year-old Meena Shah has come all the way from Houston to help locals understand why Modi is important for the country. She walks alongside her friend, a professor at Delhi's Indira Gandhi National Open University, who has also taken it upon herself to push for Modi's case. I think the Modi is the person who can be only not India person, he can be a pure Vishwa ke person ho sakte hain. मैं दिल्ली में काम करती हूँ लेकिन मेरा जन्म स्थान वाराणसी है. मैं पहली बार प्रचार में उतरी हूँ. मैं स्वेच्छा से क्योंकि बनारस में जब भी आती हूँ यहाँ की दुर्व्यवस्था देख करके मेरा दिल बहुत रोता है. पानी बिजली सड़क. दे आर नॉट पार्टी वर्कर्स. दे आर नॉट गेटिंग पेड टू कैंपेन फॉर एनी लीडर. दे आर नॉट आइंग अ फ्यूचर इन पॉलिटिक्स. दीज आर कॉमनर्स हु हैव डॉन्ड पॉलिटिकल कैप्स बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन ऑफ देयर बिलीव्स. But it's not all work. We find 50-year-old Mohari Lal shopping for Banarsi saris while wearing an Aam Aadmi Party cap. A resident of Delhi, she says she's mixing campaigning with a little indulgence because she needs to prepare for her daughter's upcoming wedding. मैं बनारसी साड़ी है तभी मेरा कोई ये पसंद आ गया. मेरी बेटी की शादी है तो आई हूँ तो कुछ लेके जाऊंगी. तो प्रचार भी कर रही है, शॉपिंग भी साथ साथ हो रही है. हाँ जी, प्रचार पहले, शॉपिंग बाद में. It's a festival of culture, religion and politics and the city of Banaras is not complaining. Sevanand Tiwari owns a samosa shop near Banaras Hindu University's Lanka Gate, a venue where BJP and AAP leaders have either been addressing rallies or staging protests. The poll bus translates into brisk business for him. हमारे के इतनी भीड़ आ रही है समोसा लमका खाने के. बीजेपी वाले आम आदमी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर समोसा बहुत प्रसिद्ध है. छोले समोसे चटनी बहुत लोग भीड़ है यहाँ. बहुत समोसा बिकता है. As we move away from the political tourists, we find the regulars looking a little lost, unable to understand what force has struck this temple town. 52-year-old Karen Gentles came all the way from Australia looking for peace and calm on the banks of River Ganga. But the city has taken her by surprise. There were two different, there's some people with white, having a lot of white, and then there's others with orange, like orange scarves, and the others with white scarves. Lots of chanting, singing on the roads, causing a little bit of traffic jams because I was in a rickshaw. I'd also like to get a flavour of Varanasi minus the election. Yes, I actually think I would, yeah. It might be a little bit quieter. Well, for peace and quiet, Karen will have to wait till after the 16th of May. Vibrant, colourful, electric and infectious, Banaras today is buzzing with politics. Unfazed by the soaring temperatures and sweltering heat,
thousands of people from across the country have descended onto this temple town to participate in the dance of democracy. And this inflow has spelt big money for the tourism industry. With Kashif Siddiqui in Banaras, Simi Pasha for the Election Express. Welcome back. You're watching the Election Express and we are broadcasting tonight from the Bhainsasur Ghat of Varanasi. Very beautiful, very serene setting here. And on our show now, we've got a pehlwan. ये आप उठाएंगे अरे आप तो बड़े दुबले से ये कहो अरे ये तो हमारा ये कठुआ है परंपरा है परंपरा है एक सेकंड पकड़िए कितने कर सकते 25 किलो का एक है तो करके दिखा दिखा रहे हैं अरे आप तो बड़े दुबले से पहलवान है पहलवान तो बड़े होते पहलवान शरीर से नहीं होते सर से होते हैं दिमाग से होते हैं शरीर कठुआ से होते हैं करके दिखाइए फिर माने अरे वाह कितने कर सकते हो ऐसे 100 कर सकते हो तो राज ये करते करते बताओ कि इलेक्शंस पे नजर है तुम्हारी कि नहीं सर किसको पसंद कर रहे हो इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहाँ है परिषद समाजवादी पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो समाजवादी पार्टी से हमारा काम होता है सर क्या काम होता है तुम्हारा कोई भी काम पड़ता है हमारा समाजवादी पार्टी करता है बीजेपी नहीं करती बीजेपी नहीं करती है सर समाजवादी पार्टी कर तो ये दुबले से पहलवान समाजवादी पार्टी के हैं 272 ये कर देंगे पर 272 ये दंड लगाने से थोड़ी होगा 272 तो सीटें चाहिए भैया इलेक्शन में अच्छा ये बताइए भाजपा का कोई पहलवान है जो कर सकता है कि नहीं इसको क्योंकि आपके द्वारा ही कहा गया कि समाजवादी में पहलवान है भाजपा में पहलवान नहीं होते हैं क्योंकि भाजपा देश के विकास के लिए और राष्ट्र हित के लिए सोचती है अच्छा नहीं नहीं ये बताइए भाजपा में कोई है जो चैलेंज देना चाहता है मैं देख रहा हूँ लोगों को है कोई भाजपा का उम्मीदवार सपोर्टर कोई हाँ कोई है जो चैलेंज देना चाह रहा है सर आप कीजिए आइए 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 हाँ हाँ एक सेकेंड मोदी जी ने अभी पिछले दिनों कहा कि मैं नीच जात में पैदा हुआ हूँ ये लड़का पिछड़ी जाति का है जो ये उठाया बीजेपी भाजपा सपा का समर्थक है मोदी जी ने बनारस में आकर के कहा ये तुलसी कबीर की धरती है लेकिन वो नीच जात में पैदा होने का रेफरेंस देने के बावजूद संत रविदास सिद्ध संत का नाम लेना भूल गए क्या संत रविदास नीच जात में पैदा नहीं हुए थे दूसरी बात मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा मैं इनसे सवाल मैं आम नागरिक के रूप में सवाल कर रहा हूँ कि 20 साल से बनारस के अंदर इनके मेयर हैं इनके सांसद हैं इनके सारे के सारे विधायक हैं और उसके बाद बनारस के अंदर आज अगर कोई थोड़ी सी बनारस की सड़कें दिखाई दे रही हैं तो वो बनारस के जिलाधिकारी की देन है और ये एक निष्पक्ष जिलाधिकारी को बनारस के अंदर ये लोग बौखलाहट में क्योंकि इनकी सोच बहुत नीची है इसलिए इन लोगों ने जिलाधिकारी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके जो बनारस का विकास करना चाहता है उस जिलाधिकारी को कटघरे में खड़ा करने का काम इन लोगों ने किया है ठीक है तो ये बताइए पहलवान साहब कितनी मेहनत करते हैं आप एक दिन ये तो हम 100 करते हैं रोज 100 करते हैं तो इतना दुबला सा पहलवान मुझे समझ में नहीं अरे ये कला से होता है सर कला से होता है तो समाजवादी पार्टी में पहलवान खूब भर रखे भाई साहब आपने नहीं हमने नहीं रखे उनकी वो शुरू से ही समाजवादी क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा से पिछड़ी जातियों अगड़ी जातियों सबके लिए काम करते हैं समाजवादी के लोग यहाँ काम करते हैं इसलिए उनका लगाव समाजवादी पार्टी से है और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में एक ही मुलायम सिंह पहलवान है जो सबको देश के अंदर और संसद के अंदर चित करने का काम करेगा उसका एकमात्र नमूना बनारस की धरती पर चुनाव से पहले ये आपने देख लिया ये निषाद समाज का एक लड़का पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पहलवानों को चुनौती दे रहा है कि अगर हैसियत और हिम्मत है तो आपके सामने यहाँ पे आके 5 या 10 हो अपना ये फेर दे तो मैं चैलेंज कर रहे हैं भैया बीजेपी के लोगों को चैलेंज कर रही है समाजवादी पार्टी कोई 5 करके दिखा दे कोई है 5 करके दिखाने वाला अरे भाई साहब बीजेपी में कोई है 5 करके दिखाएंगे आप क्या कहेंगे वो लड़ते हैं हम काम करते हैं वो लड़ते हैं हम काम करते हैं अरे वो चैलेंज कर रहे हैं कोई है चैलेंज को लेने वाला हाँ
अरे भाजपा में सब बात करने के लिए तैयार, दंड लगाने के लिए कोई तैयार ऐसा है कि जो भाई साहब कह रहे चैलेंज कर रहे हैं, तो भाजपा में एकता की ताकत है। वो सोचते हैं कि हमारा भाई अगर आगे जा रहा है तो हम उसको आगे जाने दे, काटने का प्रयास न करें। अगर लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर बात करती है, और सपा को वोट देने का मतलब है कि कब किसको समर्थन दे देगी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए भाजपा ही दमदार पार्टी है। ये काउंट करना, मेयर इनका, सांसद इनका, विधायक इनका, ज्यादा पार्षद इनके, लेकिन आज भाजपा गलियां सड़के सब क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। और बाबा काशी विश्वनाथ का नरेंद्र मोदी द्वारा अपमान किया जाता है, हरण मोदी नारा लगाया जाता है। ये सब भाई साहब एक सेकंड चिल्लाइए नहीं, हकीकत यह है कि राज्य सरकार तो आपकी है, सफाई की जिम्मेदारी आपकी, सड़क की जिम्मेदारी आपकी, बुरा हाल किया आपने, गाली दे रहे होंगे। नहीं नहीं, हम जवाब देते हैं इसकी बात, इनके मेयर हैं 35 साल की, इनके मेयर। राज्य सरकार किसकी है, सड़क की जिम्मेदारी किसकी है? अरे कहा, हमें तो नहीं दिखती सड़कें। आज जितनी सड़कें हैं आप सारी सड़कें घूम के देख लीजिए, सब सड़कें बन गई हैं। और विकास कौन सी सड़कों पे घूमते हैं, जिन सड़कों पे हम घूम रहे 4 दिन से वो तो नहीं बनी है। आप पता नहीं कौन सी सड़कों पे घूम रहे। देखिए 2 साल हुआ उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार बने हुए, सबसे पहले उन्होंने जो लैपटॉप वितरण महत्वपूर्ण योजना, अरे वो सड़क पूछ रहे, तुम लैपटॉप बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सड़क का जवाब दो ना, आप गंदगी का जवाब दो, सुअर का जवाब तो दूंगा। आप जाके देख लीजिए, इस समय वर्तमान में बनारस की 400 करोड़ की लागत से बनारस की सड़कें चमचमा रही हैं, और आने वाले 3 सालों में बनारस, माननीय मुख्यमंत्री ने वादा भी किया है कि उस सूबे की सबसे अच्छी सड़क बनारस की होगी। मैं काशीवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में मानस पटल पर अंकित होगा बनारस। अच्छा, यहाँ पर कोई कांग्रेस के समर्थक है कि नहीं जनाब? अकेले यहाँ तो लड़ाई, मुझे बीजेपी नजर आ रही है, मुझे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, मुझे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, और सपा नजर आ रही है, कांग्रेस में तो आप अकेले पड़े। हमारा ये कहना है कि काशी के बारे में ये लोग जानते ही नहीं, जितने भी चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे और लोग हैं, इन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि काशी में मरने वाले सभी काशी के पत्थर होते हैं, और कोई अपने कर्म के अनुसार लगता है, कोई घाट पर, कोई मनहोल पर, कोई शिविर में, इस तरीके। अरे वो तो ठीक है, ये बताइए कांग्रेस कहाँ है लड़ाई में? आप पूरी बात मेरी सुनेंगे तब समझ में आएगा। काशी एक ऐसी धरती है, जब भी इसको किसी ने ललकारा है, शंकराचार्य ऐसे आदमियों ने ललकारा, यहाँ के डोमड़े ने उनको ज्ञान दिया, मेहरुद्दीन पहलवान ने ललकाया उनको, गुंगई पहलवान ऐसे आदमियों ने निहा दिया। कांग्रेस ने भी एक गुंगई पहलवान को दे दिया है, जिसका मुकाबला अरविंद केजरीवाल और मोदी से है। अब उनको ये भी समझ में, अभी कांग्रेस ने तो बाहुबली तो अच्छे से क्लीन कैंडिडेट को देना चाहिए था, बाहुबली को टिकट दे दिया आपने, तो कहने की बात है ना। पहले की बात क्या है, AK-47 रखने का उन पे आरोप है, कितने गंभीर गंभीर आरोप है उन। ऐसा है कि किसी को परिस्थिति में जब इन्वॉल्व हो जाता है, किसी की भाई की हत्या हो जाती है, किसी तो AK-47 रखना ठीक, 87 तो आप लोगों का क्लेम है, जब वो भाजपा में कल तक थे तब 87 नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जब तक भाजपा में थे तब किसी को उनकी AK-47 नजर नहीं आई, जब भाजपा के मंत्री थे तब तो अजय राय की AK-47 नजर नहीं आई, जब वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए तब बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ऐसा है कि जब तक वो भाजपा में तब तक उनके पास 87 नहीं था। अरे भाई साहब आपको मालूम नहीं, आरोप 11 साल पुराना है, उस वक्त भाजपा के मंत्री थे वो। नहीं, उनके पास कभी 47 थी नहीं, तब नहीं थी जब भाजपा में थे, आरोप तब का है, अब जब कांग्रेस में जब आरोप नहीं है तब का, कमाल की बात है भाई साहब, कमाल की बात है, कुछ आइडिया ही नहीं आपको फिर तो अच्छे से। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस विकास के मुद्दे पर मोदी साहब यहाँ पे आए हैं पिछले 20 सालों से बनारस में, जैसा भाई साहब ने बताया कि बनारस में मेयर और विधायक सारा उनका, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी और भाजपा क्या अलग अलग चीज है? ये मोदी क्या भाजपा से अलग है कि विकास के मुद्दे पे ये आए हैं? बहुत बढ़िया सवाल है कि जब मेयर आपका, MP आपका, तब तो कुछ विकास हुआ नहीं, तो मतलब मुरली मनोहर जोशी फेल, अब जो उम्मीद है वो सिर्फ आपको उम्मीद है आपको मोदी जी से। तो भैया मुरली मनोहर जोशी भी तो आप ही के पार्टी के हैं, किसकी पार्टी के हैं भूल गए क्या? आप ही की पार्टी में है कि नहीं मुरली मनोहर जोशी? तो आप मान रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी फेल? नहीं, कैसे नहीं मान रहे? हम इनके जवाब दे रहे हैं। इन्हीं लोगों का कहना है कि 20 साल से काशी में भाजपा का शासन रहा है। आप हमको बताइए, आप मीडिया जगत के लोग हैं,
आज 5 साल में आदमी गलत करता है और जनता उनको नकार देती है, उसके बावजूद भी 20 साल तक बनारस में भाजपा का शासन है। नहीं, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। हकीकत ये है कि जब मौका आपके पास था तब तो कुछ हुआ नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं जवाब दीजिए, आंसर ये है कि मेरा मेयर भाजपा का, मेरा सांसद भाजपा का, अगर कोई कॉलेज में कोई स्कूल में टीचर है, ठीक है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रिंसिपल उसकी इजाजत नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, तो वो टीचर क्या कर सकते हैं उस स्कूल कॉलेज के लिए? अरे टीचर छोड़ दे, बोले कि मुझे काम नहीं करना, काहे के लिए बैठे? वो भी दे दे ताकि जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। ओके, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन इन दिस इलेक्शन इज अ वेरी कलरफुल कॉन्टेस्ट ऑफ स्लोगन्स। क्रिएटिविटी इज रनिंग एट इट्स पीक, द वेरी कलरफुल क्रिएटिव स्लोगन्स पुट टुगेदर बाय द बीजेपी, the Aam Aadmi Party and the Congress. My colleague Preeti Chaudhary went out and about in the streets of Varanasi capturing the color, the poll pulse in the battle for your vote 2014. Here's the battle of the slogans. It has been one of the most interesting elections to cover for us journalists. Every time we have gone from one constituency to the other, we have heard a different slogan about some leader. Two most popular leaders here have been Narendra Modi and Arvind Kejriwal. Lots of slogans constructed in support and against them. We are with the BJP supporters here. Let's get a few from them. So the सबसे popular slogans जो आजकल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या चल रहे हैं? युवा की तरफ अबकी बार मोदी सरकार। अरे वो तो बहुत पुराना हो गया। कमल खिलाओ जोरों से, देश बचाओ जोरों से। इधर लाइए, कानपुर से आया हूँ और हमारा स्लोगन है देश बचाओ भगोड़ों से। जैसे मेरे केजरीवाल भाग गए हैं तो कमल खिलाओ जोरों से, देश बचाओ भगोड़ों से। जो जीतने सका खासी से वो क्या जीतेगा काशी से? जो केजरीवाल जो लड़ न सका खासी से वो क्या खाक लड़ेगा काशी से? संबंध सदा होता है निभाने के लिए, दर्द सदा होता है छिपाने के लिए, कमी नहीं लोगों की रुलाने के लिए, कमी नहीं लोगों की रुलाने के लिए, दुआ मांगो मोदी जी को लाने के लिए। From the supporters of Narendra Modi, I'm very sure that at the Arvind Kejriwal, the slogans would be very, very different. Reporting with camera person Premchand Mishra, Preeti Chaudhary for Headlines Today. Well, the creative juices of all those working on their campaigns over running at full capacity at this time. One of the things that I'm noticing in Varanasi is that everyone seems to have a couple of lines, a couplet, a poetry. मैं देख रहा हूँ कि वाराणसी की जनता बड़ी क्रिएटिव है। हर आदमी का कोई ना कोई कविता है, कोई ना कोई शायरी। आप क्या सुनाना चाहते हैं? मैं सर मोदी जी पे शायरी सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत दंगे कराए, बहुत कत्लेआम कराई है। ये कत्ल करते तो चर्चाएं नहीं होती, हम समाजवादी पार्टी के लोग आह भर देते तो हो जाते हैं बदनाम। यहाँ पर कौन है जो काटना चाहता है? सर सर पत्रकार महोदय और यहाँ पे सारी जनता का और पूरे बनारस और पूरे यूपी के लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के दंगे में किसका हाथ है और किसके शासनकाल में हुआ है, किसके शासनकाल हुआ है। क्योंकि जब आप में दम नहीं थी शासन चलाने की, तो उस कुर्सी को मुजफ्फरपुर दंगा होने के बाद उसी समय आपको त्याग देना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शायर बोला गया था, हम तो ठहरे परदेसी। मैं कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं हम तो ठहरे राष्ट्रवादी, जनता का साथ निभाएंगे, साबरमती को साफ करने के बाद गंगा की सफाई कराएंगे। सर अभी इन्होंने कहा एक शायरी में कि ये दंगों की सरकार है। मैं अभी गुजरात भी गया था, वहाँ के लोगों से पूछा, एक न्यूज़ में नहीं आया कि 13 साल से 14 साल से कोई दंगा हुआ है वहाँ पे। 13-14 साल से वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है। उसी के ऊपर एक मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा मोदी जी के ऊपर। अभी मैं केजरीवाल, अरे सुन लीजिए, आपने शायरी की उनकी भी सुन लीजिए, रुकिए। क्या पक्ष और क्या विपक्ष सारे नेता गॉड हो गए। क्या पक्ष और क्या विपक्ष सारे नेता गॉड हो गए परिवर्तन की इस गांधी में।
परिवर्तन की इस आंधी में मोदी अब सिरमौर हो गए। जनता जनतंत्र के महासागर में पूरा विपक्ष एक हो गया। मोदी का विरोध ही जितना एक मेव ही ध्येय हो गया। मोदी से लड़ने में सारे असली मुद्दे गौड़ हो गए। मोदी से लड़ने के में सारे असली मुद्दे गौड़ हो गए। परिवर्तन की इस आंधी में मोदी अब सिरमौर हो। मोदी यार क्या बात है। हाँ बताइए सर। इनका मुजफ्फरनगर दंगा कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगे के दोनों गिरफ्तार आरोपी भाजपा के विधायक बालियान और सोम, पहला एक ये विषय और दूसरा कादी राणा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। एक सेकंड, ज्यादा नहीं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा। हो गई है पीर, शायरी चलने दीजिए, कोई नेता नहीं है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, क्योंकि गंगा जी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वाराणसी की पहचान बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा, बनारसी साड़ी बुनकर और बनारसी पान से, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में न सही, मेरे दिल में ही सही, है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। सर कांग्रेस के भाई साहब है, वो भी शायरी करना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी शायरी कर, बताइए बताइए। अब तक देश लुटे है कांग्रेसों ने यार, अब तक हमारा देश लुटे है कांग्रेसों ने मेरे यार, अब की बार मोदी सरकार लुटेंगे देश को बार बार। अरे भाजपा वाले ताली बजा रहे हैं, गलत, वो कह रहे हैं वो लूटेंगे सरकार बार बार। अरे गलत टाइम पे बजा दी ताली भाई, अन्ना हजारे की आवाज में। अरविंद मेरे संदेह का सवाल जवाब दिया नहीं, मैं अरविंद से पूछा। अन्ना हजारे की आवाज में कुछ सुना रहे, सुन लीजिए। अरविंद मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, मैं अरविंद को बोला कर राजनीति में जाना नहीं, लेकिन अरविंद मेरी बात माना नहीं। अरविंद मेरे संदेह का जवाब दें फिर राजनीति करें। क्या बात, नहीं नहीं, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ आप भी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। अभी तो केजरीवाल के समर्थक ने मोदी सरकार की बात कही है, अब पूरा बनारस का जो इस समय माहौल बना हुआ है, सुबह बनारस और शाम बनारस फेमस है, सुबह बनारस शाम बनारस मोदी तेरे नाम बनारस, ये यहाँ की बनारस की समय खूबी बनी हुई है। हाँ बताइए। मुलायम सिंह इस समय एक ही गीत गा रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम रात में सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनते रह गए। बताइए। नहीं एक अभी हमारे सज्जन ने कहा कि हाँ सुबह बनारस शाम बनारस, इनके नेता मोदी जी गंगा की कहते हैं, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है गंगा की आरती और पूजन करने के लिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, डीएम का परमिशन चाहिए। दिल्ली से एक आया जिनको ये लोग भगोड़ा कहते हैं, आया अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान किया, गंगा का वंदन किया बगैर किसी सिक्योरिटी के। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जिनका राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी बनते हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका एक भी आदमी, एक भी ऐसा नाम नहीं है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। इसलिए एक शेर इनके अर्ज कर दे रहा हूँ कि उनकी तुर्बत पर एक भी दिया नहीं, उनकी तुर्बत पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से रोशन हुए चिरागे वतन और मकबरा रहे जगमगा रहे हैं मकबरे इनके, जिन्होंने लूट लिए शहीदों के कफन, ये लोग इनकी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में इन लोगों ने शहीदों के उस पे ताबूत की भी कमीशन खाया और दूसरी एक अभी अब बाकी 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 बातें बाकी भूल गए आपसे। चलिए ठीक है मिस्टर बालकृष्ण, यू नो इज़न्ट दिस सो मच मोर फन देन बीइंग स्टक इन अ कॉर्नर ऑफिस इन इंफोसिस, व्हाट डू यू थिंक? नो आई एम वेरी सैड, पीपल आर नॉट डिस्कसिंग द लोकल इश्यूज, इट्स नॉट अबाउट हु इज गोइंग टू बिकम पीएम।
I am coming here after a very long time. I feel very sad about this city. This is a heritage city, it's a world-class city, it's a holy city. Nobody has taken care of it. I think they have to elect a leader like Arvind, who will make sure the Ganges gets clean, the city gets developed. Not a PM candidate. PM candidate is not the issue here. It is about how to make Varanasi a world-class holy city, a world-class heritage city. They're not discussing, any of them are not discussing that. Absolutely. That's your perspective on this, but ultimately it's the people of Varanasi who must pick who they want as their member of parliament. Election Express ke is karyakram mein filhal itna hi. हमने संगीत के साथ शुरुआत की, संगीत के साथ ही इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहेंगे. आप लोग इस कार्यक्रम में जुटे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी खूबसूरत और सारे जहां से अच्छा आप बजा रहे हैं, तो उसी के साथ हम इस कार्यक्रम की इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं. आप प्लीज़ बजाइए. Campaigning in the morning. Rahul Gandhi will be campaigning here, and then there'll be Akhilesh, and the Election Express will be in Varanasi bringing you all the latest. We look forward to seeing you on the last day of campaigning. Till then, from all of us here on the Election Express team, goodbye. See you tomorrow night at 9:30.